बताने वाले हैं हरी मिर्च पर नाम लिखकर दबाने से। मिट्टी के अंदर दबा दो हमेशा के लिए, दो लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मेरा नाम है मोइन खान और मैं इस चैनल के अंदर आप सभी लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप किसी भी दो लोगों को हमेशा के लिए अलग करना चाहते हो तो इस उपाय के ज़रिए आप हमेशा के लिए उस इंसान को अलग कर सकते हो जिसको आप चाहते हो। क्योंकि एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो कोई भी दो लोग एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। उपाय इतना खास होने वाला है कि एक बार आपने कर लिया तो दो लोग हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ऐसा ही उपाय है दोस्तों। किस तरीके से उपाय करना है बड़ी ही प्यार से समझना है आपको, क्योंकि एक भी चीज अगर मिस आपने कर दी तो उपाय सारा नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अच्छे से समझना है, किसी भी दो लोग को अलग करना चाहते हो तो इस उपाय को किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले की उपाय जो क्या करना है आपको, एक चीज आपको लेनी है, एक हरी मिर्च। नाम लिखने के लिए स्केच जो आसानी होती है, अच्छे से चमकता है, इसमें पेन से लिखोगे इसमें नहीं चमकेगा। हरी मिर्च पर लिखने के लिए स्केच अच्छी चलती है, अच्छी तो आपको समझ में भी आएगा तो किस तरीके से करना है। तो आपको पूरी वीडियो अच्छे तरीके से, सबसे पहले हरी मिर्च लेनी है। पहले दोस्तों आपको एक नाम लिखना है जिसको भी अलग करना आप चाहते हो। मान लीजिए आपका कोई साथ जिसको आप अलग करना चाहते हो कोई लड़का है और आपकी प्रेमिका से बातचीत करने लगा है, अब कौन उसको एक साथ देख सकता है? किसी का पति पत्नी है, पत्नी किसी मर्द के साथ है, कौन ऐसा देख सकता है पति किसी मर्द के साथ, उसको पराए मर्द के साथ? किसी की पति है, कौन किसी पराए औरत के साथ उसको देखना पसंद करेगा? तो इस उपाय को करके आप उन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर सकते हैं। उसका नाम है ममता प्लस जो ममता की माँ है, नीचे नाम लिखना है। ये क्रॉस बनाना है, उसके अंदर एक लाइन खींचनी जैसे मैं बना रहा हूँ इस तरीके से। फिर आपको ये तीन बनाना है, फिर जिसको अलग दूसरे इंसान को करना है उसका नाम है अवेश प्लस जो उसकी माँ का नाम है, ठीक है, वो लिखना है। फिर आपको तीन इस तरीके से बना लेने हैं। ऐसा बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको किसी धागे से बांध कर इसको पेड़ पर लटकाना है आपको। कौन सा पेड़? जो कड़वा नीम का पेड़ होता है या फिर कांटे भरा पेड़ होता है कीकड़ का, उस पर आपको इसको लटका देना है। मैं यकीन दिलाता हूँ 2-3 दिन के अंदर अंदर जिस भी दो लोगों को आप अलग करना चाहोगे वो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा, एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे और एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। तो इतना आसान ये उपाय है, उपाय करिए, फ़ायदे लीजिए। इसी के साथ कुछ भी परेशानी है, कुछ पूछना हो तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।